नमस्कार दोस्तों दोस्तों रीजनिंग में आज आप लोग घड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:20 हो तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। जब भी आपसे जल प्रतिबिंब बोले तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, तो क्या कीजिएगा उसको 18:30 में माइनस कर दीजिएगा 18:30 में। तो 18:30 में 12:30 को 20 को हम घटा देते हैं। जब ये घटाएंगे तो ये 10 बज जाएगा और यहाँ 8 2 6 यानी 6:10 दोस्तों। तो 12:20 वास्तविक समय है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा 6:10, यही हमारा आंसर हो गया। ये तो हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी रहता है दोस्तों, देखिए मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ 20 ना दे करके आपको मान लिया जाए कि 12:50 रहता, क्या रहता 12:50, तो आप क्या करते यहाँ जो 18 है उससे 1 घंटा इधर ले आइए तो 60:30 90 हो जाता और यहाँ 17 बजता। तो यहाँ आप लिख सकते थे 17:90 यानी 17:90। अब जो है अब इसको हम घटाएंगे 0 9 में 5 गया तो 4 और यहाँ 7 में 2 गया तो 5 यानी 5:40 दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। अगर आपका यहाँ 20-30 से अगर ज़्यादा रहे तो आप इससे इधर से 1 घंटा ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया तो 6:10 यानी जब भी दर्पण पूछे आपका जल प्रतिबिंब पूछे तो 18:30 में माइनस कीजिए या डायरेक्ट लिखिए 17:90, इन दोनों में किसी में भी आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, दोनों एक ही चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वो तो जल प्रतिबिंब था, अब यहाँ आया दर्पण प्रतिबिंब। यदि किसी घड़ी में 2:12 हुए हो तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब यहाँ आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछ दिया दोस्तों, तो यहाँ क्या करेंगे देखिए, हम क्या करेंगे 11:60 लेंगे यानी 11:60 यानी 12 बज गया, कितना बज गया 12। हम इस 12 को पूरा 12 ना लिख करके हम 11:60 लिखे हैं, बात तो एक ही है, 12 बजे लिखे या 11:60 लिखे, दोनों तो बात एक ही है। तो 11:60 में हम 2:12 माइनस कर देंगे। अब इसको जब माइनस करते हैं तो 10 में 2 गया तो 8 और 5 में 1 गया तो 4 और यहाँ कितना है तो 11 में 2 गया तो 9 बचेगा, क्या बचेगा 9 यानी 9:48, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों, अगर आपसे पूछे देखिए रेलवे में खास करके इस तरह से एक प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, ये जो है ये लंबा करके पूछ दे रहा है 2:18:17 इस तरह से थोड़ा सा लंबा करके क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो क्या है सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन आपको गड़बड़ाना नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पूछ रहा है क्या भैया दर्पण प्रतिबिंब, क्या पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि 11:59 और ये हमारा हो गया 60 सेकेंड, ये हमारा क्या है घंटा हो गया, ये हमारा मिनट हो गया और ये हमारा सेकेंड हो गया, क्या हो गया सेकेंड हो गया। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2:18:17 अगर इसको माइनस कर देंगे हम तो 10 में 7 गया तो 3 यहाँ 5 में 1 गया तो 4 और 9 में 8 गया तो 1 और 5 में 1 गया तो 4 बचा और 11 में 2 गया तो 9 यानी 9:41:43 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा तो 9:41:43। तो सही आंसर क्या हो गया तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए अगला टाइप दोस्तों, अब यहां जो प्रश्न है, सुबह 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होगी। सुबह का समय बोल रहा है कि 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होगी। तो घड़ी जब भी होता है ये घड़ी बनाए, देखिए गोल नहीं बनता हमसे,
तो यहाँ होगा 12, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 3, यहाँ क्या होगा 9। अब यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 4 लिख दीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए, फिर यहाँ 7 लिखिए, यहाँ 8 लिखिए, 10, 11, ये हो गया दोस्तों। तो 7 और 8 बजे के बीच, तो जब भी हम लेंगे तो इसमें पहला समय लेंगे, क्या लेंगे, 7 लेंगे। अब बीच में यहाँ बना दीजिए इस तरह से गोल, और मिनट की सुई जब भी रहेगी इस तरह प्रेस में तो 12 पर रहेगी दोस्तों, कितना पे, 12 पे रहेगी मिनट की सुई, ये यहाँ रहेगी मिनट की सुई, और घंटा की सुई 7 पर रहेगी, क्या रहेगी, ये 7 पर रहेगी, ये मिनट की सुई 7 पर रहेगी। अब हम जो है, अब देखिए एक मिनट, देखिए 12 से 1 तक आने में ये 5 मिनट का समय बनाता है, कितना, अगर मिनट की सुई 12 से 1 तक आता है तो ये 5 मिनट बनता है, कितना, 5 मिनट। फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो 10 मिनट, यहाँ से यहाँ 15 मिनट, ये 20 मिनट, 25, 30, ये 35 मिनट, कितना हो गया, तो 35 मिनट। मिनट की सुई 12 से यहाँ 7 पर आने में कितना, 35 मिनट का समय लगेगा, कितना, 35 मिनट का समय। तो अब हम क्या करेंगे, इस 35 को 12 बटा 11 से गुणा कर दीजिए, 12 बटा 11 से गुणा कर दीजिए। कभी कभी एक साथ की जगह आपको बोल देगा 180 डिग्री कब होगा, कभी कभी बोल देगा कि 0 डिग्री कब होगा, तो आप 12 बटा 11 से गुणा कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, 12 बटा 11 से गुणा कर दीजिएगा। अब इसको हम गुना करते काटते हैं तो 11 से कटेगा नहीं, तो 35 को 12 से जब गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 35 दइए 350 और 12 यानी 420 आ जाएगा, कितना आएगा, 420, और 420 बटा 11, अब 420 बटा 11 जो है, तो 420 में 11 से भागा दे दीजिए, तो 11 तिया 33, 12 में 3 गया तो 9, ये 90 आ गया, फिर भागा देंगे हम 11 से, अगर 11 में भागा देते तो 11 8 88, अब कितना बचा, तो 2 बचा, अब हमारा आ गया 38 पूर्णांक 2 बटा 11, ये आ गया भागा देने के बाद। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो है ये 7 बजे, 7 और 8 बजे के बीच बोल रहा था, तो इस 7 को लिखेंगे 7 बजकर 38 पूर्णांक 2 बटा 11 मिनट, 38 पूर्णांक 2 बटा 11 मिनट पर, मिनट यानी 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होगी, तो 7 बज करके 38 पूर्णांक 1 बटा सॉरी 38 पूर्णांक 2 बटा 11 मिनट पर, तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए अब यहां लिख देता हूं मैं 38 पूर्णांक 2 बटा 11, यानी यहां आपको पहला समय लेना, बस यही ध्यान देना है, और यहां 12 बटा 11 से गुना करना है, 180 डिग्री पूछ दे, 0 डिग्री पूछ दे, ठीक है, तो जब भी पूछेगा तो 12 बटा 11 से आप गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, और लास्ट में इसको शुरू में इसको लिख लीजिएगा, तो 7 बज के 38 मिनट, 38 पूर्णांक 2 बटा 11 मिनट पर। चलिए दोस्तों आज यहीं तक, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा मन भी नहीं लगाता लगता है पढ़ाने में, चलिए तो आप लोग जरूर शेयर कर दें, चलिए थैंक यू।